टेस्ट करता हूँ। हम हाजिर हो गए हैं गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी सामग्री यहाँ पर सेटअप की गई है। अब आप तो समझ चुके होंगे कि मैं क्या दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये देखिए कुछ वायरिंग्स हैं, ओके, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ होल्डर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर हम वायरिंग सेटअप करने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर ये मीटर है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा आइसोलेटर है, और यहाँ पर MCB बॉक्स है, और ये कनेक्टर है, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है बड़ा वाला, और ये एक पावर प्लग स्विच बोर्ड है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि आप इसकी वायरिंग 100% कैसे करेंगे, मतलब आपको टोटल यहाँ पे जो वायरिंग है वो हम सिखाने वाले हैं। स्पेशली ITI स्टूडेंट और स्पेशली जो इलेक्ट्रिक का वर्क करना सीखना चाहते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, स्विच बोर्ड वायरिंग होती है, जो असल में पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, अपने लाइफ में बनाना चाहते हैं कुछ पैसा, तो आपको यह वीडियो फाइनल तक देखना होगा। चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। इसी टाइप की मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इसी टाइप की वीडियो मैं आगे भी अपलोड करता रहूँगा आपकी डिमांड के मुताबिक। लेकिन आपको, आपने ये टेबल की वीडियो जो है काफ़ी पसंद करते हो मेरी, क्योंकि मैंने 3 से 4 साल पहले एक वीडियो बनाया था टेबल पर, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ज़्यादा था लोगों को, उसमें कुछ ना कुछ सवाल आते रहे मेरे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला, यहाँ पर मैं 100% वायरिंग आपको सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो तो आपको पता है थोड़ी लंबी तो होती ही है मेरी, लेकिन नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वाकई में आप सीखना चाहते हैं, ITI स्टूडेंट है या फिर आप लोगों के यहाँ काम करते हैं, वाकई में सीखना चाहते हैं आप, तो इस वीडियो को तो आपको फाइनल तक देखना होगा, और अगर लॉन्ग वीडियो है तो आप टाइम निकाल करके ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, प्यारे दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक करें, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये है स्विच बोर्ड, यहाँ पे सेडल्स वगैरह हैं, ये रहा एक होल्डर, दो होल्डर, तीन होल्डर, चार होल्डर, पांच होल्डर एंड फैन का ये सीलिंग रोज, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है जो कि पावर प्लग है, यहाँ पे MCB बॉक्स है, यहाँ पे एक आइसोलेटर है, यहाँ पे हाउस मीटर है, यहाँ पे एक कनेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे आपके भाई का चैनल का नेम है और सब्सक्राइबर है, ठीक है, तो सब्सक्राइब करें जल्दी से, 1 मिलियन करना है अपन को। तो ये पूरा सेटअप है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये स्विच बोर्ड है, यहाँ से होते हुए हम इसके अंदर कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो उस वायर का साइज MM क्या होने वाला है, ये जो आप वायर देख रहे हैं ये 1 MM का है, तो इसे हम पॉइंट कहते हैं। पॉइंट किसे कहते हैं, ये जो जितने भी आपको 5 सर्किट दिख रहे हैं ये सभी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे मैं 1 MM यानी कि 1 MM का वायर यूज़ ले रहा हूँ, लेकिन किस कंडीशन में आपको 1 MM का वायर यूज़ लेना है, मान के चलिए आपको इसमें 100 वॉट तक का लोड चलाना है, 100-150 वॉट, तब तो आप 1 MM का लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको झूमर लगाने हैं 1500-1000 वॉट का, तो इस पे आपको 1.5 या 2 MM का आपको सर्किट देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला सर्किट दूंगा, मैं यहाँ से इसको एंटर करूँगा इस साइड से, और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो इलेक्ट्रिक हाउस वायरिंग में सबसे पहले पॉइंट की ही वायरिंग की शुरुआत की जाती है, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए मैं यहाँ तक का एक साइज़ करूँगा, होल्डर तक का, ओके। तो मैंने यहाँ पर होल्डर तक का एक साइज़ करा, अब यहाँ पर स्विच बोर्ड तक मैं इसे काट लूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर इसे कट कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब कट, ओके। अब यहाँ पर दूसरा वायर, इसको कहते हैं 1 पॉइंट इसे कहते हैं। अगर आप पॉइंट के हिसाब से पैसा लेंगे तो आप यह जो एक वायर लगाए हैं इसके हिसाब से आपको 1 पॉइंट का पैसा लेना होगा,
ठीक है। अब यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट है, इसको भी पॉइंट ही कहा जाता है, ठीक है। तो हम दूसरे होल्डर के लिए यहाँ पे लेके जाएंगे। तो आईटी स्टूडेंट हो या फिर आप नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन हो, बनना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ से होते हुए हम यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर इसके अंदर डाल के हम यहाँ पर इसको फाइनल कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दूसरा सर्किट रेडी हो चुका है। इसको भी हम यहीं पे ही कट कर देंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैं इसे कट करता हूँ तो यहाँ पे दो पॉइंट तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसको दो पॉइंट कहा जाता है। तो अब आप पैसा लेंगे तो दो पॉइंट का लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पर ऐड करता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए ये तीसरा पॉइंट भी रेडी हो चुका है। ये देखिएगा इस, ये तीन पॉइंट, तीन होल्डर यहाँ पे 100% तैयार हो चुके हैं। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पर पूरा 100% फंडा समझाऊंगा कैसे इसकी वायरिंग स्विच बोर्ड में भी की जाती है, ठीक है। यहाँ पर हो गए चार पॉइंट, एक दो तीन चार। तो इसको भी मैं यहाँ पर स्विच बोर्ड के हिसाब से कट कर लूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे चार वायर यानी कि चार पॉइंट तैयार हो चुके हैं। तो गाइस, अब यहाँ पर आप समझिए, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, पाँच पॉइंट, मैंने पांच होल्डर को कनेक्ट किया है यहाँ पर, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, पाँच पॉइंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फ़ैन रेगुलेटर है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर फ़ैन का कनेक्शन यहाँ पर होगा, तो फ़ैन के लिए अलग वायर होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेटअप वाइट कलर का है, और जैसे जैसे यहाँ से देखिए ये पाँच वायर निकल रहे हैं, यहाँ पर चार हो गए, यहाँ पर तीन हो गए, यहाँ पर दो और यहाँ पर एक। अब यहाँ पर मुझे एक अलग डिफरेंट कलर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 mm का फ़ैन के लिए भी आपको डिफरेंट कलर देना है। गाइस, आपने मेरी पिछली वीडियोस को भी देखा होगा, उसके अंदर मैंने हाउस वायरिंग किया है, तो उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट कैसे समझाया, न्यूट्रल कैसे लगता है, फेज कैसे लगता है, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और देखिए। तो गाइस, ये देख सकते हैं ये ब्लू कलर का वायर है। हम क्या करेंगे कि डिफरेंट कलर फ़ैन के अंदर देंगे। इसका वजह मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इसे डिफरेंट कलर क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर आप हाउस वायरिंग में अगर फ़ैन का कनेक्शन डिफरेंट नहीं देंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब ये प्रॉब्लम क्या होती है इसका, तो मैं आपको आगे ही समझाऊंगा। तो पहले मैं इसको भी यहाँ से एंटर कर देता हूँ। गाइस, अगर आप फ़ैन लगा रहे हो हेवी वोट का, यानी कि 200 वोट का, मतलब एक हेवी जो झूमर वाला फ़ैन होता है, अगर वो लगा रहे हो तो आप यहाँ पर हेवी वायर का यूज़ लीजिए। नॉर्मल वायर का यूज़ यहाँ पर बिल्कुल भी मत लेना, नहीं तो वायरिंग के अंदर ये वायर जल जाएगा। तो इसका साइज़ 1 mm होगा, ठीक है। इसका भी फ़ैन का जो साइज़ 1 mm है वो 1 mm का ही होगा। तो इसे भी मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं भाई, ब्लू कलर का हमें मालूम है कि एक वायर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो मैं इसे भी यहाँ पर ये भाई साहब यहाँ से कट कर देंगे। तो भाई साहब, यहाँ पे पॉइंट्स का तो काम पूरा हो चुका है, पॉइंट्स में अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बाकी है। ये देख सकते हैं कितनी शानदार फिनिशिंग के साथ में आपको समझाया जा रहा है। यहाँ से 6 वायर स्टार्ट हुए 1 mm के, ओके। यहाँ से होते हुए यहाँ पे एक वायर सेट हो गया, तो अब यहाँ पर 5 वायर बचे, ठीक है। यहाँ पर एक और सेट हुआ तो यहाँ पर 4 वायर बचे, यहाँ पर सेट हुआ यहाँ पर 3 वायर, यहाँ पर सेट हुआ यहाँ पर 2 वायर और यहाँ पर 1 वायर, कुछ इस तरीके से रह गया, ठीक है। तो हाउस वायरिंग के अंदर अगर आप केसिंग पट्टी वाली भी वायरिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर भी इसी तरह से वायरिंग कम होती होती जाएगी। गाइस, ये जो मैं सेटअप आपको समझा रहा हूँ, ये रियली आप घर के अंदर यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ही हाउस वायरिंग में भी यूज़ लिया जाता है। तो
दोस्तों आप सभी को मालूम है कि एक वायर से तो बिल्कुल भी लोड नहीं चलता, क्योंकि इसके अंदर एक वायर और चाहिए तब जाके लोड आउटपुट मतलब क्रिएट करता है। यानी कि हमारा जो लोड है वो दो वायरों से चलता है, मैंने तो यहाँ पर एक ही वायर लगाया है। तो इसके लिए आपको एक सिस्टम न्यूट्रल का ऐड करना होगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये सिस्टम न्यूट्रल है, आगे हैवी लोड है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 1.5 mm का वायर आपको यूज़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब न्यूट्रल कैसे कनेक्ट होगा, तो न्यूट्रल देने के लिए आपको ये ब्लैक वायर यहाँ से मैं एंटर करूँगा। अब आप कहेंगे कि इसमें जगह क्यों दी, जगह से आपको मालूम हो जाएगा कि ये आखिर न्यूट्रल ही है। तो मैं यहाँ से होते हुए कहाँ पे ले जाऊँगा इसे, इस तरफ से यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब यहाँ पर न्यूट्रल। अब मैं यहाँ पर इस होल्डर में नहीं डालूँगा, मैं इस वायर को सीधा यहाँ से होते हुए सीधा मैं फाइनल अटैच दूंगा। यानी कि जो हमारा सिस्टम न्यूट्रल है वो जितनी भी लाइटें होती है एक कमरे के अंदर, जितनी भी लाइटें जितने भी फैंस होते हैं उन सभी के लिए एक सिस्टम न्यूट्रल प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फाइनल है यहाँ पर, और यहाँ पर अब इसका कनेक्शन होगा जितने भी हमारे यहाँ पर होल्डर्स हैं, ठीक है। ये वाला, इसे सिस्टम न्यूट्रल बोला जाता है, तो इसको भी हम यहाँ पर ही कट करेंगे, ना कि मेन सर्विस लाइन में, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए हमने इस सिस्टम न्यूट्रल को यहाँ से होते हुए वहाँ तक ले गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिस्टम न्यूट्रल है वो चल रहा है सीधा वहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर न्यूट्रल देने के लिए, होल्डर्स को न्यूट्रल देने के लिए मैं यहाँ पर छीलूँगा। अब आप कहेंगे कि मुझे एक उस वाली वीडियो के अंदर कमेंट आया था कि आप छील क्यों रहे हैं, आप इस तरह से डायरेक्ट क्यों नहीं डाल दे, जैसे कि आपने देखा कुछ इस तरीके से आप डायरेक्ट क्यों नहीं डालते। तो इसका भी मैं आपको समाधान बताता हूँ, मतलब किस वजह से यहाँ पे जब आप केसिंग फिटिंग करते हो, मतलब केसिंग वायरिंग करते हो, तो उसके अंदर आपको कुछ इसी तरीके से ही न्यूट्रल को छील के ही लगाना पड़ता है। जैसे कि आप बल्ब और एक होल्डर वगैरह का कनेक्शन करते हो तो आपको इसी तरह से सिस्टम न्यूट्रल को छील के ही लगाना पड़ता है, यहाँ पर कनेक्टिविटी देनी पड़ती है। तो केसिंग पट्टी के अंदर कुछ इसी तरीके से वर्किंग किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया, तो गाइस ये देख सकते हैं इस टाइप का मैंने कट लगा दिया। अब यहाँ पर मैं न्यूट्रल को कनेक्टिविटी दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो केसिंग पट्टी के जो वायरिंग होती है उसमें कुछ इसी तरीके से न्यूट्रल को कट लगा के जोड़ दिया जाता है, ठीक है। हालांकि आप यहाँ से डायरेक्ट ले जा सकते हैं, लेकिन वायरिंग लॉसेस, सॉरी यहाँ पर वायरिंग जो है ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये छोटे पैमाने पर मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये दूरी जब आप रियल हाउस वायरिंग करेंगे तो उसके अंदर ये दूरी कुछ ज़्यादा ही होती है। तो दो वायर यहाँ से ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम कट लगा करके यहाँ से न्यूट्रल को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला होल्डर है। अब होल्डर के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, अब इन दोनों पॉइंटों में आप कोई सा भी न्यूट्रल दे सकते हैं, कोई सा भी फेज दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये पॉइंट लाइन है, ये पॉइंट है स्विच बोर्ड से आ रहा है, तो मैं इसे यहाँ पर दूंगा। एक कनेक्टिविटी तो मैंने यहाँ पर दे दी, अब यहाँ पर एक वायर से तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई लोड चल पाए, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर एक वायर टुकड़ा डाल देंगे। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल के लिए एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। अब यहाँ से जो हमें ब्लैक कलर का वायर है इससे हमें न्यूट्रल प्रोवाइड होगा, अच्छे से हम इसे टाइट कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये जो वायर बचता है इसको यहाँ पे सेट कर दें। तो अब यहाँ पर आपने समझ लिया कि न्यूट्रल ऑब्वियसली यहाँ से ही प्रोवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने जॉइंट कर दिया, तो अब ये केसिंग पट्टी के अंदर इस तरह से जॉइंट होगा और टेप कर देंगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रल यहाँ से मिल गए इसे और फेज़ यहाँ से मिल गया। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे होल्डर हैं सभी के अंदर कर दें। पर ये थी सीलिंग रोज की, तो सीलिंग रोज को कैसे सेट किया जाता है, होल्डर तो आप जानते ही हो कैसे सेट किया जाता है। तो सीलिंग रोज को सेट करने का भी एक तरीका होता है छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंत में जो हमारे पास वायर बचता है इसमें कोई जॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो यहाँ पे छोटे से दो होल दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर ही वायरिंग होती है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे इसको खोलता हूँ अंदर वाले हिस्से को, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे खोलता हूँ तो इसके पीछे एक होल होता है,
इसी होल के अंदर एक वायरिंग जाती है, ये वो न्यूट्रल वाली, ठीक है। यहाँ पे भी न्यूट्रल फेस को कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी किसी भी साइड में लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे टाइट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं भाई, यहाँ पर जो है फाइनल हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसके फ़ैन का जो कनेक्शन है वो भी यहाँ पर दे देंगे। तो ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ से जो पॉइंट है ये हो गया कनेक्ट और यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसे अभी पैक कर दूंगा यहाँ पर। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से जो न्यूट्रल निकल के आ रहा है वो सभी होल्डर्स के अंदर इस तरह से मैंने बाईपास कर दिया है। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक न्यूट्रल से सभी चलेंगे? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब हम न्यूट्रल को प्रोवाइड करेंगे तो जितने भी होल्डर्स हैं, जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं, 6 के 6 पॉइंट्स, इन सभी को न्यूट्रल प्रोवाइड हो जाएगा। अब आप कहेंगे फेज़ कहाँ से प्रोवाइड होगा? तो फेज़ यहाँ से प्रोवाइड होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर एक वायर दिया, ये दूसरा वायर, ये तीसरा वायर, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 6 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यानी कि अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब यहाँ पर जो न्यूट्रल है वो एक साथ दिया है आपने और जो फेज़ कनेक्शन है वो अलग अलग दिया है, इसका क्या रीज़न है? चलिए इसके बारे में भी हम आपको आगे समझाएंगे। यानी कि हमारा जो सिस्टम है ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ से जो सेटअप है वो पूरा फाइनल हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल फाइनल हो चुका है, यानी कि हमारे स्विच बोर्ड में लगने के लिए ये रेडी है, 100% रेडी है। लेकिन अभी भी कुछ कमियाँ यहाँ पर मौजूद है भाई। यहाँ से अभी आप इसको कनेक्ट करोगे स्विच बोर्ड में तो इसको करंट कौन देगा? मतलब जो मेन लाइन होता है, न्यूट्रल फेज होता है मेन, वो कहाँ से आता है? तो गाइस अब यहाँ पर इस लाइन को चलाने के लिए हमें न्यूट्रल फेज की आवश्यकता होगी। तो ये रेड कलर का और ब्लैक कलर का वायर होता है न्यूट्रल और फेज। रेड कलर को फेज बोला जाता है, ब्लैक कलर को न्यूट्रल बोला जाता है। तो इसकी वायरिंग कहाँ से कहाँ तक आएगी और इसको करंट कौन देगा, कहाँ से मिलेगा इसको करंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी वायरिंग को सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग को सेट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से न्यूट्रल को ऐड करूँगा और इसका साइज़ एमएम की मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये 1.5 mm की साइज़ एमएम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब किस कंडीशन में 1.5 mm होना चाहिए? जब यहाँ पर आपका जो वायरिंग है, वायरिंग का जो लोड है यहाँ पर वो कम होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल लोड होए तब आप यहाँ पर 1.5 mm का यूज़ लें। अगर यहाँ पे आपका जो लोड है वो कुछ ज़्यादा ही है, हद से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2.5 mm का यहाँ पर न्यूट्रल और फेज़ को ले जाना होगा। तो मैं यहाँ तक इस वायर को लेके आ गया। अब ये वायर कहाँ जाएगा? तो अब ये ब्लैक वायर के साथ में एक रेड वायर भी डालना है जो कि फेज़ वायर होगा। तो इसको इसके बगल से ही ले जाएंगे। जो MCB बॉक्स होता है उसके अंदर ये वायर जाएगा, ठीक है, मेन लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे कि MCB बॉक्स में MCB वर्क करेगी, ठीक है। तो इसका भी साइज़ MM 1.5 mm, जितना MM न्यूट्रल का होगा उतना ही फेज़ का होगा। तो मैंने न्यूट्रल फेज़ को यहाँ तक लेके आ गया। अब इस न्यूट्रल फेज़ को मैं यहाँ से होते हुए इसको बाहर निकाल दूँगा, जो कि MCB बॉक्स के अंदर कनेक्टिविटी होगी। ये वाला फेज़ हो गया, ओके, ये वाला न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे दो सर्किट तो हमने भेज दिए हैं जो कि मेल लाइन के हैं। यहाँ से MCB बॉक्स के अंदर सेटअप होगा, यहाँ पे MCB लगेगा और MCB बॉक्स के अंदर वायरिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों वायरों को यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा कट करना है। रियल लाइफ में अगर आप वायरिंग कर रहे हो वहाँ पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करना चाहिए न्यूट्रल फेज़ को, ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो हमें थोड़ा वायरिंग बढ़ाना हो, करना हो तो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल फेज़ की वायरिंग भी हमें मिल चुकी है। ये देख सकते हैं, ये रहा न्यूट्रल, ये रहा फेज़। यहाँ से होते हुए सीधा हमारे जो MCB बॉक्स है वहाँ तक हम ले गए हैं। तो अब आपने समझ लिया कि इन सभी वायरों को करंट कौन देगा? ये दो वायर करंट देंगे, यानी कि ये दोनों वायर इन सभी लाइनों को करंट देंगे। लेकिन अब ये करंट कैसे डिवाइड करेंगे स्विच बोर्ड के अंदर, तो इसके बारे में हम आपको आगे समझाएंगे। गाइस आपको मालूम है कमरे के अंदर एक और चीज़ होती है जिसका नाम है पावर प्लग।
यहाँ पर हम पावर प्लग लगाएंगे। पावर प्लग लगाने की एक कंडीशन होती है, जैसे कि पावर प्लग के अंदर अगर आप एसी का कनेक्शन करोगे तो उसकी वायरिंग कैसे होगी, अगर आप गीज़र का कनेक्शन करोगे तो उसकी वायरिंग कैसे होगी, अगर आपको नॉर्मली फ्रीज़र वगैरह चलाना है तो उसकी वायरिंग कैसे होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एसी की वायरिंग करना चाहता हूँ, या एसी या फिर माइक्रोवेव अवन या फिर हैवी लोड जो चलाना पड़ता है, हैवी लोड उसके हिसाब से मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो इसकी लाइन कैसे जाएगी, ये देखिए यहाँ से मैं न्यूट्रल और फेज़ को ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर से, तो यहाँ से अब इसकी साइज़ एमएम की बात कर लेते हैं, पहले मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब इसकी साइज़ एमएम की बात करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपको एसी लगाना है तो यह वायर ओबियसली सीधा एमसीबी बॉक्स तक आएगा, और इसकी जो लोड की जो एम्पियर एमएम जो साइज़ होता है वो एमएम तकरीबन 2.5 एमएम की होनी चाहिए। जैसी एसी होगी वैसा आपको वायर लगाना है। अगर आपको नॉर्मली फ्रीज़र वगैरह लगाना है तो 1.5 एमएम से भी काम चल जाएगा। अब लेकिन एसी के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको एमसीबी बॉक्स तक लाना है, और अगर नॉर्मली आपको फ्रीज़र वगैरह चलाना है तो नॉर्मली आप यहीं पे ही इस वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। इस वायर से जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो सीधी यहाँ पर भी आ जाएगी, लेकिन ये एसी, गीज़र, माइक्रोवेव अवन वगैरह चलाना है तो ये तरीका बिल्कुल भी बेकार है, ये तरीका वायरिंग को ख़राब कर सकता है। तो आपको क्या करना है, हैवी लोड चलाने के लिए आपको सीधा एमसीबी बॉक्स तक इस लाइन को प्रोवाइड कर देना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो एमसीबी बॉक्स के अंदर डबल सर्किट हो गए, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये दो सर्किट और एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं एमसीबी बॉक्स के अंदर। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एमसीबी बॉक्स के अंदर चार वायर मौजूद हो गए हैं। ये देखिए यहाँ से फेज़ कनेक्शन जाएगा और यहाँ से न्यूट्रल। ओके, तो यहाँ पर भी ये देखिए गाइस, यहाँ पर भी एमसीबी बॉक्स की जो वायरिंग है वो चार हो गई है। देखिए चार वायर यहाँ पर भी हो गए और ये पावर प्लग का वायर हो गया। यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगा। देखिए ये पावर प्लग के लिए दो वायर हो गए और यहाँ पर चार वायर हो गए दो सर्किट के, सर्किट लाइन इसे बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं पूरा टोटल यहाँ पर वायरिंग हो गया है। अब आप कहेंगे कि कुछ कमी है, कमी तो अर्थिंग की है, इन्वर्टर की है, लेकिन गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अर्थिंग और इन्वर्टर इसकी वायरिंग की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ सिंपली न्यूट्रल फेज़ का जो काम होता है वो ऑब्वियसली मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि न्यूट्रल फेज़ कैसे कैसे करंट पहुँचाता है होल्डर्स, लाइट्स वगैरह के अंदर, फैंस वगैरह के अंदर, ठीक है, और पावर प्लग वगैरह के अंदर करंट कैसे पहुंचता है। अर्थिंग का तो पर्पस होता है कि भाई करंट से बचना होता है, तो उसका तो बिल्कुल सिंपल वायरिंग है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, और इन्वर्टर का भी बिल्कुल सिंपल होता है, वो एक्स्ट्रा वायरिंग होती है। जो कि मेन वायर होता है, जो मेन सिस्टम्स रनिंग करने के लिए जो इंपॉर्टेंट वायरिंग होती है वो यही वायरिंग है, और ये हमारी बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। अब इसका कनेक्शन वगैरह कैसे किया जाता है, अब यहाँ पर स्विच बोर्ड का तय कैसे करें कि यहाँ पे इतने मॉडल का स्विच बोर्ड लगेगा, ठीक है, तो वो कैसे पता करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइट कलर के कितने वायर हैं, यहाँ पे तकरीबन 5 वायर हैं, और यहाँ पर ये एक फ़ैन का है 6 वायर हैं। ठीक है, तो ये 6 वायर हैं, तो यानी कि आप ये ज़रूर मान के चलिए कि 6 तो पॉइंट्स हैं, यानी कि 6 बटन यहाँ पर ऐड होंगे, 6 स्विच। ठीक है, लेकिन ये फ़ैन का है तो इसके अंदर रेगुलेटर भी लगाया जाएगा, तो एक और एक्स्ट्रा एक और स्विच ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ पे तो कितने मॉडल हो गए, 7 मॉडल हो गए। ठीक है, 7 मॉडल हो गए। अब यहाँ पर एक सॉकेट भी ऐड होगा, तो सॉकेट के अंदर 2 मॉडल ऐड होते हैं, 7, 8, 9 मॉडल। अब सॉकेट का एक और स्विच होगा, ठीक है, जो कि इन सब चीज़ों से वर्क करेगा सॉकेट, तो सॉकेट का भी एक स्विच होगा, तो 10 मॉडल का यहाँ पर स्विच बोर्ड ऐड होगा। इस तरह से आपको साइज कर लेना है। तो यहाँ पे 10 मॉडल का हम स्विच बोर्ड ऐड करेंगे, और यहाँ पर इस स्विच बोर्ड को यहाँ पर एंटर करें। ठीक है, ये स्विच बोर्ड हमने लगा दिया। अब इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये है पावर प्लग, इसके अंदर आप एसी वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो पावर प्लग के अंदर तो नॉर्मली 16 एम्पियर 32 एम्पियर का सेटअप होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा काम फाइनल। अब एमसीबी कैसे तय की जाती है, एमसीबी मैं बताता हूँ कैसे तय करेगी। यहाँ पे ये देख सकते हैं 2 वायर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 वायर, इनमें से 4 वायर हैं। ठीक है,
तो इनमें से दो वायर दो सर्किट के होंगे, यानी कि एक रूम का जो लाइट बल्ब फ्रेम का, ठीक है, और एक वायर होगा ये हमारे पावर प्लग एसी वगैरह का, ठीक है। तो दो वायर हैं, तो दो वायर का मतलब आप समझते हो, यहाँ पे दो एमसीबी लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो एमसीबी ऐड कर दूंगा। ये एक रूम है गाइस, आप इसे रूम समझिए। तो अब यहाँ पर मैं कैसे पता करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अब आपके कमरे में कितना लोड है इस ये डिपेंड करता है। मान के चलिए मैं यहाँ पे 6 एम्पियर का जो लोड है वो लाइट बल्ब फैन वगैरह के लिए है, और 10 एम्पियर का जो लोड है वो यहाँ पर पावर प्लग का है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूंगा। इसको देख करके आप बिल्कुल भी ना लगाएं, आप लोड कैलकुलेशन पूरा चेक करिए, फिर यहाँ पर एमसीबी का प्रयोग करें। तो ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पे सेट हो गया। अब इस पूरे लोड को ऑन ऑफ करने के लिए एक आइसोलेटर भी होना चाहिए। अब घर के अंदर कितनी एसी है, कितनी लाइटें हैं, कितने बल्ब है एक एमसीबी बॉक्स में, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको एम्पेयर चॉइस करना है। यहाँ पे 40 एम्पेयर का है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ। जितना लोड है उस हिसाब से आपको ये चॉइस करना है आपका, ठीक है। और बाकी का तो जो ये फ्यूज़ ब्रेकर वगैरह जो भी है ये सब बाद के काम है, यानी कि रूम तक का काम ये है बस। घर का जो लोड कैलकुलेशन होता है वो बस यही तक होता है, बाकी इसके आगे के जो आइटम्स लगते हैं वो अलग चीज़ें होती है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो गाइस मैं लेके आया हूँ 10 मॉडल का ये फ्रेम। 10 मॉडल आखिर कहते कि इसको है, मैं बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये दो जगह घेरता है, ठीक है। तो ये हो गया 10 मॉड्यूल, ठीक है। अगर आप मॉड्यूलर स्विच बोर्ड भी लगाते हैं तो उसमें भी आप 10 मॉड्यूल का ही लगाएंगे। 10 मॉड्यूल के स्विच बोर्ड में आपको पता है वायरिंग कितनी हुई, ये देख सकते हैं। ये सभी वायरिंग 10 मॉड्यूल के स्विच बोर्ड के लिए एकदम परफेक्ट है। तो मैंने आपको सिखा दिया कि आपको स्विच बोर्ड और स्विच मॉडल कैसे तय करना है, कुछ इसी तरीके से तय करना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने स्विच बोर्ड में स्विच लगा दिया है, ये देखिए, ये कुछ इस टाइप के स्विच हैं। देखिए यहाँ पे ये सॉकेट का ये स्विच, ठीक है। एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब, चार बल्ब, पाँच बल्ब, छः, यानी कि ये दोनों आपस में एक है, सिमिलर है। ये फैन इससे ऑफ ऑन होगा और ये फैन इससे हाई एंड स्लो होगा, ठीक है। तो अब इसकी वायरिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 16 एम्पियर का मैंने पावर प्लग लिया, ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का। और यहाँ पर देख सकते हैं लाइन वगैरह सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, तो इसकी भी वायरिंग हम आपको बता रहे हैं। अब लूपिंग वायर करना सीखेंगे। तो लूपिंग वायर करने के लिए आपको 1 mm का वायर लेना होगा, जो कि आपने वायरिंग किया है वही वायरिंग आप यहाँ पर यूज लेंगे। और यहाँ पर कुछ इस वाले स्विच से, इस वाले को छोड़ दीजिए, इसे क्यों छोड़ना है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए आपको यहाँ तक का साइज़ करके इसे छील लेना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर मैं इसे डायरेक्टली इस तरीके से छील रहा हूँ, और ये जो इतना कॉपर जो इसका निकलेगा ना वही लूपिंग में काम आएगा। अब ये जाली जो आप देख रहे हैं, ये बिखरी बिखरी सी जाली नज़र आती है, तो आपको क्या करना है, एक कवर के साथ में इसे तोड़ देना है, कट कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या है कि ये घुमाने में थोड़ा आसान होगा यहाँ से, ये देखिए इसे किस तरह से मैं घुमा रहा हूँ, इस तरीके से आप घुमा करके इसे सेट कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि लूपिंग ऊपर वाले में करना चाहिए और बहुत से कहते हैं नीचे वाले में करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप दोनों में से कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो आप वायरिंग करते हैं ना, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से जो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये ऊपर का होता है, मतलब ये देखिए ये सीधा बोर्ड है, यहाँ से जो वायरिंग ये वो ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर आपको लूपिंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो अच्छे तरीके से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं कि आपको ऊपर वाले हिस्से में बिल्कुल भी लूपिंग कनेक्शन नहीं करना है। तो लूपिंग कनेक्शन आपको यहाँ से नीचे वाले एरिया में आप करिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है, बेहतर होगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे वाले एरिया में कनेक्ट करूँगा इस तरीके से। तो डालना बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से आप घुमा घुमा के अंदर सेट कर सकते हैं इसे। ये देखिए बहुत आसानी से ये चला भी जाता है। अब इस सभी वायरों को टाइट कर सकते हैं आप। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने लूपिंग वायर को लगभग यहाँ पे तैयार कर दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे अब फैन रेगुलेटर है, तो फैन रेगुलेटर के अंदर दो वायर होते हैं, इन दोनों वायरों में से एक वायर में जॉइंट होता है, तो वह जॉइंट हमें नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि इस लूपिंग को ढीला करिए और इसी लूपिंग के अंदर आपको फैन का एक वायर यहाँ पर एंटर कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि फ़ैन रेगुलेटर के अंदर जॉइंट नहीं होगा। यह तरीका मैंने 4 साल पहले एक वीडियो बनाया था उसके अंदर भी दिखाया है और वही तरीका मैं यहाँ पर भी यूज़ ले रहा हूँ। और मैंने इस टाइप की वीडियो बहुत सारे शॉर्ट्स भी मैंने बनाए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए हैं, जिसमें 20-20 मिलियन इस तरह से व्यूज़ आए हैं और इसी ट्रिक को लेकर के ही व्यूज़ आया। आपने शायद वो शॉर्ट वीडियो देखा होगा। अगर आपको हमारा शॉर्ट चैनल नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं और वो शॉर्ट्स चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इस स्विच के नीचे वाले एरिया में कनेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि फ़ैन रेगुलेटर का जो जॉइंट है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस ट्रिक से काफ़ी लोग कंफ्यूज़ हैं, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि यहाँ से जो करंट दौड़ेगा, जो फेज करंट आएगा, वो करंट कंटिन्यू इसके अंदर रहेगा। वो तो हमें भी पता है ये करंट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जब स्विच ऑफ होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो करंट है आपका आगे पास होगा नहीं, ठीक है। तो रेगुलेटर ख़राब होने के चांसेस क्यों बनेंगे, जबकि सर्किट पूरा होने के लिए न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है या फिर हल्का फुल्का अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर अर्थिंग जब तक नहीं आएगी तब तक हम स्विच को ऑन ना कर दें, ठीक है। तो फैन रेगुलेटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, यहाँ से कंटिन्यू करंट अगर दौड़ भी जाता है कंटिन्यू, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है कि यहाँ पर गड़बड़ हो जाए, यहाँ पे रेगुलेटर ख़राब हो जाए। तो ये भी मेरे को क्लियर करनी थी इस बात को, ठीक है। तो अब आपने समझ लिया होगा। सो फ्रेंड्स, ये सॉकेट है, सॉकेट के अंदर मैंने उस वीडियो के अंदर गलती कर दिया था, मैंने न्यूट्रल की जगह यहाँ पे फेज ऐड कर दिया था, इसलिए लोगों ने कमेंट किया था ये कनेक्शन गलत है, ठीक है। तो ये तो मैं मानता हूँ ये कनेक्शन गलत था। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं एल लिखा हुआ है, इस एल के अंदर आपको एक वायर का टुकड़ा लेना है और इस वायर को यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देंगे, ओके। तो अब इस वायर को कहाँ देना है, यहाँ स्विच के अंदर देना है, इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ स्विच के अंदर मैं जैसे ही दूंगा, तो अब ये जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, सॉकेट भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे स्विच को ऑन करूँगा तो करंट इसमें आएगा और यहाँ पे चालू हो जाएगी लाइन, ठीक है। तो ये लूपिंग वायर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ये स्विच बोर्ड अब ये लगने के लिए तैयार है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है, मैंने ये ब्लू कलर का वायर क्यों डाला मैं बताता हूँ। ये जो ब्लू कलर का वायर है ये फ़ैन का है। अब मुझे कैसे पता चला ये फ़ैन का है, अगर मैं यहाँ पे वाइट कलर का यूज़ ले लेता तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये फ़ैन का है या फिर बल्ब लाइट वगैरह का है। बगैर देखे मैं इसे कनेक्ट कर देता तो फ़ैन रेगुलेटर से कोई बल्ब ऑपरेट होता, ठीक है। तो अब ये कलर कोडिंग से मुझे मालूम पड़ गया कि यहाँ पर ये वायर जो है ये बिल्कुल फ़ैन रेगुलेटर का ही है, तो मैं इसको इस स्विच के अंदर ऐड कर दूंगा तो ये 100% फ़ैन रेगुलेटर ही रनिंग करेगा और फ़ैन ही चलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको कंफ्यूजिंग दूर हो गई होगी। अगर ये बड़े इलेक्ट्रिशियन मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम फेस हुई होगी। आपने कभी इस तरह से बहुत सारे वायर एक साथ एक ही कलर के डाल दिए होंगे, ठीक है, जो फ़ैन का भी इसके साथ ही होता है। और जब हम स्विच बोर्ड को कनेक्ट करते हैं, फाइनल कर देते हैं और कस देते हैं दीवार के अंदर, फाइनल कर देते हैं, तो उस समय जब हम लोड को चलाते हैं या फिर मान लीजिए कुछ लोड चला रहे हैं तो बल्ब वगैरह जो है वो फ़ैन रेगुलेटर के अंदर ऐड हो जाता है। शायद आपने ये कभी ना कभी फेस किया होगा इस चीज़ को, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो फेस किया है ये चीज़। क्योंकि ग्राहक के क्या है कि फ़ैन वगैरह जो होते हैं वो लास्ट में लगाए जाते हैं, जो फोर सीलिंग वगैरह होती है ना वहाँ पर, तो लास्ट में लगाए जाते हैं। तो उस हिसाब से क्या है कि हमें मालूम नहीं होता कौन सा वायर जो है फ़ैन का है। तो यहाँ पे ब्लू कलर का लगाने का मतलब यही था कि ये फ़ैन रेगुलेटर डायरेक्ट हम यहाँ से कनेक्ट करके स्विच बोर्ड को पैक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट बचते हैं, तो अब ये पाँचों वायर हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। जो एक एक करके ये वायर देख रहे हैं आप, इन सभी के अंदर मैंने पांचों पॉइंट को ऐड करना है। अब ये वायर कहीं पे भी कोई से भी स्विच में ऐड कर सकते हैं, इन नो प्रॉब्लम। और अगर आपको लाइन से लाइन लगाना है तो बात अलग है। जो ये स्विच हैं ये सब बल्ब के ही हैं, तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे तरीके से टाइट कर दूंगा।
ये देखिए भाई साहब, यहाँ पर मैंने जितने भी ये वाइट कलर के वायर है, बल्ब के जो वायर थे, वो हमने एक एक करके एक एक स्विच में ऐड कर दिया है, और ये फैन का ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास बचते हैं तीन वायर, ये देखिए तीन वायर बचते हैं। अब आप कहेंगे भाई साहब यहाँ पे तो दो न्यूट्रल है। आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी आप स्विच बोर्ड कोई ग्राहक के खोलते होंगे तो वहाँ पर आपको दो न्यूट्रल या फिर दो फेस एक साथ दिखते होंगे, तो वो आखिर कैसे किस वजह से होते होंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये फेज़ कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो फेज़ कनेक्शन आपको लूपिंग के अंदर कनेक्ट करना है, इसमें 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 इसमें। अगर आप इसमें करेंगे तो भी सभी के अंदर पहुँचेगा, इसमें करेंगे तो भी सभी के अंदर पहुँचेगा। जो कि हमारा जो ये स्विच है ये कम एम्पियर का है और इसके अंदर आगे कम लोड चलता है, ठीक है। लेकिन सॉकेट जो है इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड चला सकते हैं। तो आपको मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आप जो सॉकेट के पास वाला स्विच है, ठीक है, सॉकेट के पास वाला स्विच, इसके अंदर ये लूपिंग कनेक्शन ऐड करेंगे तो मेरे नज़र में ज़्यादा बेहतरीन होगा ये वर्क। इससे क्या होगा कि जो ज़्यादा आप लोड इससे लोड यूज़ लेंगे वो यहीं से ही चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से करंट आएगा और सीधा सॉकेट के अंदर आ जाएगा। अगर यह वायर आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो इस जगह पे, ठीक है, तो इतना लंबा दूरी तय करना पड़ेगा लाइन को, और यहाँ पे आप हैवी लोड चलाओगे तो ये वायर गर्म होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वायर गर्म होगा तो आपके स्विच अंदर से गर्म होंगे, स्विच अंदर से गर्म होंगे तो स्विच जलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको लाइन ये इसके अंदर जोड़ देनी चाहिए, जो कि आप हैवी लोड चलाएंगे तो यही पे ही सेटअप हो जाएगा, इस एक ही स्विच पे लोड पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल फाइनल हुआ। अब यहाँ पर ये देखिए भाई, यहाँ पे दो न्यूट्रल आपके पास मौजूद है, जिसमें एक यह वाला था और एक यह वाला था। मैं बताता हूँ ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं। देखिए, एक वायर यहाँ से आ रहा है, ये है सिस्टम न्यूट्रल जो सभी होल्डर्स के अंदर कनेक्ट है। ये देखिए, ये वाला सिस्टम न्यूट्रल है, और ये वाला जो वायर आ रहा है न्यूट्रल, ये मेन न्यूट्रल है, यहाँ से होते हुए एमसीबी बॉक्स में जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों वायरों को आपस में मर्ज कर देना है, आपस में जोड़ देना है, इन दोनों न्यूट्रल को आपस में जोड़ देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो न्यूट्रल है वो सभी लाइट बल्ब वगैरह के अंदर, फैन वगैरह के अंदर पहुँच गया। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास सॉकेट है, ठीक है, ये वाला सॉकेट, तो सॉकेट के अंदर भी न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो यह न्यूट्रल आप इसके अंदर इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉकेट के अंदर भी कनेक्ट हो गया और बल्ब लाइट वगैरह के अंदर भी न्यूट्रल कनेक्ट हो गया, ये देख सकते हैं गाइस। अब मैं आपको आगे अभी समझाऊंगा कि आखिर कैसे ये करंट दौड़ रहा है गाइस, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इन सब चीज़ों से। तो वायरिंग मैंने कंप्लीट कर लिया और इसे मैं यहाँ से ढक देता हूँ। अब ये स्विच बोर्ड है बिल्कुल कसने के लिए एकदम रेडी है, ये इसे हम कस सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मौजूद है हमारे पास पावर प्लग स्विच बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कनेक्ट किया जाता है ये देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन है फेज़ कनेक्शन। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक वायर का टुकड़ा लेना है कुछ इस टाइप का, इसे आपको इस फेज़ के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। अब इस वायर को यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देंगे। गाइस याद रहे, यह जो लूपिंग वायर आप कर रहे हैं तो ये 2.5 mm का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि लोड ज़्यादा है तो ये 2.5 mm का यहाँ पर लूपिंग वायर होना चाहिए। इससे क्या है कि स्विच जलेगा नहीं, गर्म नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर दें। अब यहाँ पर दो वायर बचते हैं एसी के, ठीक है, जो मैं हमने एसी के लिए डाला था हीटर वगैरह के लिए। तो ये दो वायर हैं, इनमें से आपको फेज़ कनेक्शन स्विच के अंदर डालना है। याद रहे, फेज़ कनेक्शन हमेशा स्विच के ही अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि जब आप स्विच को ऑफ करेंगे तो सॉकेट का जो फेज़ कनेक्शन है वो कट जाता है, इसलिए ये फेज़ कनेक्शन सॉकेट के अंदर नहीं, स्विच के अंदर होना चाहिए। और न्यूट्रल आपको ये साइड में दिखाई दे रहा है, बस एन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको न्यूट्रल ऐड करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। गाइस ये मत कहना कि आपने अर्थिंग वायरिंग नहीं दिखाई, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि अर्थिंग वायरिंग की वीडियो मैं आपको बाद में बना के दिखाऊंगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इस स्विच बोर्ड को भी मैंने तैयार कर दिया। अब ये वर्किंग के लिए तैयार है दोस्तों। जो वायरिंग है वो स्विच बोर्ड से होती हुई यहाँ पे कनेक्ट हुई और इतने सारे वायर यहाँ पे मैंने कनेक्शन दिखाए आपको, और यहाँ पर पावर प्लग का भी कनेक्शन मैंने आपको दिखाया। अब अंत में जो कार्रवाई करनी पड़ती है वो मेन डिस्ट्रीब्यूट लाइन है, यानी कि MCB कनेक्शन कैसे किया जाता है और यहाँ मीटर तक वायरिंग कैसे कनेक्ट की जाती है जिससे हमारा लोड रनिंग पे आ जाए। तो चलिए ये बताते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं दो MCB है, एक आइसोलेटर है, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पे चार वायर हैं और यहाँ पे एक कनेक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं MCB के कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं न्यूट्रल का कनेक्टिविटी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो न्यूट्रल का कनेक्टिविटी जब आप MCB बॉक्स में करते हो तो आपको कुछ इस टाइप का एक लोहे की राड आपको नज़र आती है, यही इसी के अंदर ही न्यूट्रल को कनेक्टिविटी दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको छिलता हूँ, इस वायर को ऐड करूँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो लाइन है ये पूरी शॉर्ट है आपस में, तो आप किसी भी स्क्रू को खोल करके ये कनेक्टिविटी कर सकते हैं। मैं इस स्क्रू को खोलूँगा और इसको खोलूँगा, तो इन दोनों के अंदर आपको न्यूट्रल को ऐड कर देना है। ये देखिए मैंने एक वायर को ऐड किया और दूसरे वायर को यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो दोनों न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो गए। अब इन दोनों को न्यूट्रल देना है, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रल का काम तो बिल्कुल फाइनल हो चुका है, यानी कि ये न्यूट्रल AC का और यह न्यूट्रल ये न्यूट्रल AC का और यह न्यूट्रल मेन जो रूम के अंदर लाइट बल्ब है ये दोनों आपस में शॉर्ट हो गए हैं, ठीक है। अब इन दोनों के फेज़ बचते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तय करना है, यहाँ पे ये एक मेल लाइन है जो कि लाइट बल्ब फैन वगैरह का है और यहाँ पे AC का कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे MCB को देखिए, यहाँ पे 6 एम्पियर की है, ये 10 एम्पियर की है, तो इनमें आपको चॉइस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो घर का लोड है वो कम है तो आपको कम एम्पियर वाले MCB में सेटअप करना है। तो इस वायर को मैं यहाँ पर MCB के अंदर ऊपर वाले एरिया में कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि यह वाली MCB हमारे घर के लोड के लिए बनाई गई है जो कि घर का लोड इससे चलेगा, ठीक है। और ये है AC गीज़र वगैरह की लाइन का, ठीक है। तो इसे आप इसके अंदर डालेंगे क्योंकि ये हाई एम्पियर की MCB है, तो ज़्यादा एम्पियर की MCB के अंदर AC गीज़र वगैरह का सेटअप किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर AC का और यहाँ पे घर की लाइन का कनेक्टिविटी दे दिया है, तो यहाँ से ऑन करेंगे तो घर की लाइन चालू हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों लाइनें आपस में शॉर्ट हैं। अब इसको न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा और इन दोनों को फेज़ कहाँ से मिलेगा, चलिए ये भी सेटअप करते हैं। अब इन दोनों MCB को फेज़ देना है तो आपको एक टुकड़ा लेना होगा इस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप का टुकड़ा लेना है और आपको आपस में इस तरीके से कनेक्टिविटी देनी है। तो ये दोनों आपस में शॉर्ट हो गए और इन दोनों में फेज़ कनेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पे क्या करना है आपको, एक वायर का टुकड़ा लेना है, ये होगा फेज़ कनेक्शन। तो आपको क्या करना है, इसको भी इसके साथ में कनेक्ट कर दें और यहाँ पे इसे फेज़ वाले एरिया में कनेक्ट कर दें इस तरीके से, ठीक है। अब इन सभी को टाइट कर दें आपस में, तो यहाँ पर जो फेज़ कनेक्शन होगा वो इन सभी के अंदर दौड़ेगा। तो फेज़ करंट यहाँ से निकला, इसमें गया और ये दूसरे MCB में भी ट्रांसफ़र हो गया। अब न्यूट्रल ट्रांसफ़र भी करना है, आपको पता है न्यूट्रल भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इसको एक इस तरह का वायर लेना है और यहाँ पे इसे न्यूट्रल ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर देना है न्यूट्रल में। कनेक्ट करने के बाद इसे आपको क्या करना है, इस न्यूट्रल में ऐड कर देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो सभी के अंदर न्यूट्रल प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पे इस वायर को मैं कनेक्ट करूँगा तो न्यूट्रल जो है सभी कमरों में, सभी स्विच बोर्ड में ऐड हो जाएगा। और ये तरीका आप MCB बॉक्स के अंदर करते हैं, आप सभी को मालूम है इस तरह की एक कनेक्टर होती है, इसके अंदर एक न्यूट्रल ही न्यूट्रल आपको देखने को मिलते होंगे, वो न्यूट्रल ही होते हैं जो इस तरह से कनेक्ट आपस में होते हैं और ये सीधा इस MCB के अंदर जाता है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेल लाइन का कनेक्टिविटी भी हो चुका है यहाँ पर, और न्यूट्रल फेज की बात करें तो यहाँ से न्यूट्रल फेज कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें मेन डिस्ट्रीब्यूट लाइन देनी है, यानी कि हमारा जो सरकारी मीटर होता है यहाँ से हमारे पैनल बोर्ड में आता है,
ठीक है, फ्यूज़ वगैरह में, और यहाँ से हमारे एमसीबी बॉक्स में जाता है। तो ये लाइन कैसे कनेक्ट करें? अब यहाँ से हमें सप्लाई देनी है हमारे एमसीबी बॉक्स के आइसोलेटर में। तो यहाँ पे मेल लाइन होती है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कनेक्शन दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस टाइप का कनेक्शन होता है और यहाँ पर ब्रेकर होता है इस टाइप का, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी आपको देनी है न्यूट्रल और फेस। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर लाइन दूंगा, यहाँ पे लाइन लिखा हुआ होता है, ये रहा लाइन। तो मैं यहाँ पे फेस कनेक्शन देने वाला हूँ। तो ये वाला एक टुकड़ा होता है, इस टुकड़े को आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये फेस कनेक्टिविटी हो गई। अब न्यूट्रल की कनेक्टिविटी हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर न्यूट्रल और फेस कनेक्टिविटी दे दिया और ये ब्रेकर एकदम तैयार है, ठीक है। अब यहाँ से हम इस फेस को यहाँ से निकालेंगे और इस आइसोलेटर के अंदर सेटअप करेंगे। ये एमसीबी बॉक्स है, ओबियसली आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे यहाँ पर लाएंगे और एमसीबी के अंदर बॉक्स, एमसीबी बॉक्स के अंदर हम सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फेज और यहाँ पे न्यूट्रल। तो इस वायर को फेज की जगह पे लगाना है। तो ये फेज हम यहाँ पे, ठीक है, तो ये फेज कनेक्शन हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और अब ये न्यूट्रल कनेक्टिविटीज हम यहाँ पे देंगे। तो गाइस, यहाँ से न्यूट्रल और फेज आया और यहाँ पे हमने कनेक्टिविटी दे दी। ये रहा हमारा सरकारी मीटर, इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सरकारी मीटर से लाइन लेंगे, लेकिन गाइस यहाँ का प्रोसेस सरकारी कर्मचारी ही करते हैं। यहाँ का मीटर के अंदर का जो प्रोसेस होता है वो सरकारी कर्मचारी करते हैं। इलेक्ट्रिशियन का जो प्रोसेस होता है यहाँ से वायरिंग निकलने के बाद का होता है, तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी नहीं होता। तो गाइस, सरकारी मीटर से लाइन जब बाहर निकलवा लेते हैं आप, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आइसोलेटर है इसके न्यूट्रल फेस कनेक्शन करने हैं। वो इलेक्ट्रिशियन का वर्क होता है, ये कनेक्शन इलेक्ट्रिशियन ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल देख रहे हैं और यहाँ पे इसके आगे भी न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल न्यूट्रल में कनेक्ट होगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो फेज देख रहे हैं आप, ये फेज फेज में कनेक्शन होगा। ये कनेक्शन होने के बाद अब हम सप्लाई टेस्ट करेंगे, सप्लाई आ रही है या नहीं। यहाँ पे कनेक्टिविटी मैंने फाइनल कर दी। अब यहाँ पर मैं इसे ढक देता हूँ सेफ्टी के लिए। यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस आइसोलेटर को ऑन करूँगा, ठीक है। अब इस सेकेंड आइसोलेटर को जो एमसीबी बॉक्स के अंदर लगा है, इसको ऑन करेंगे। अब इन दोनों एमसीबी को ऑन करेंगे, तो आप देख सकते हैं लोड हमारा चालू हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं एक एक करके इन सभी को बंद करता हूँ। अब मैं सबसे पहले फ़ैन रेगुलेटर दिखाता हूँ। ये देखिए, फ़ैन रेगुलेटर को जैसे ही डिम करेंगे बल्ब डिम हो जाता है, तेज़ करेंगे बल्ब तेज़ होता है, मतलब फ़ैन जो है हमारा तेज़ डिम तेज़ होता रहेगा, आप जैसे जैसे आप एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे स्विच है, इन सभी स्विच से एक एक करके बल्ब ऑन हो रहे हैं। अब यहाँ पर मशीन की बात करें तो ये मशीन भी देखिए गाइस, ठीक है, ये मशीन भी चालू हो चुकी है। ये देखिए, ठीक है, लाइन तो 100% कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला वायर है, इसको मैं शॉर्ट सर्किट करूँगा। मैंने इस टाइप की एक वीडियो बनाई थी, आपको मालूम है, लेकिन उसमें शॉर्ट सर्किट करने पर एमसीबी ट्रिप नहीं हुई थी। अब देखता हूँ एमसीबी ट्रिप होती है या नहीं। दोस्तों, एमसीबी ट्रिप नहीं हुई। आपको मालूम है, इस पे आपने सवाल भी किया था कि आपकी वायरिंग सही नहीं है। जी दोस्तों, वो सही वायरिंग थी, लेकिन एमसीबी जो है वो ख़राब थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एमसीबी एकदम ओरिजिनल क्वालिटी की है, कंपनी की है, और यहाँ पर मैं दोनों एमसीबी को ऑन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अब मैं जैसे ही यहाँ पर मैं स्विच को ऑन करूँगा, एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ से इस तरीके से दिखाता हूँ, जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, गौर कीजिएगा गाइस, ये देखिए एमसीबी ट्रिप हो चुकी है। अब आपको लगता है कि हमारी वायरिंग परफेक्ट है, ठीक है। ये देखिए एमसीबी जो है 100% ट्रिप हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि ये ट्रिप क्यों नहीं हुई,
ये है हमारी एसी के लिए, ये एसी का अलग सर्किट है, तो हमने इसके लिए भी तैयारी कर रखी है। ये देखिए, इसको भी मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, ठीक है। अब मैं जैसे इसके अंदर डालता हूँ और इसको भी मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ, मान के चलिए हमारी एसी ख़राब हो गई है, ठीक है। मैं इसे इस तरह से डाल देता हूँ, ये शॉर्ट हो गई हमारी एसी में, या कुछ भी चीज़ में प्रॉब्लम हो गई है। अब मैं यहाँ पर टेस्ट करता हूँ, ये देखिए गाइस, एमसी भी ट्रिप हो चुकी है। ओके, अब आपने समझ लिया होगा कि अलग अलग एमसीबी का ये बेनिफिट होता है। मतलब एक एसी के लिए आप सेपरेट एक एमसीबी लगाएंगे तो ये अलग वर्क करेगी, ठीक है। रूम के लिए आप सेपरेट एमसीबी लगाएंगे तो वो रूम के हिसाब से वर्क करेगी। अब जैसे मैं दोबारा टेस्ट करता हूँ, यहाँ पे बंद करता हूँ, अब मैं दोनों एमसीबी को ऑन करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर ऑन हो गई है, एमसीबी ऑन हो गई, सभी लाइनें वर्क, ठीक है। अब मैं पहले इसको गिराऊंगा, ठीक है। ये देखिए, एक एमसीबी गिरी, लेकिन हमारी घर की लाइट चालू है, मतलब लाइट बंद नहीं हुई। अब जैसे घर की लाइट में कोई प्रॉब्लम होती है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, एमसीबी पे आप गौर कीजिए, स्विच तो आपने देख लिया, देखा गाइस, एमसीबी ट्रिप हो गई जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया। तो यही प्रॉब्लम अगर आपके होल्डर में आई, बल्ब में आई, फैन में आई, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आई, तो एमसीबी ट्रिप करेगी, 100% ट्रिप करेगी। तो अब आपने समझ लिया कि ये वायरिंग कैसे मैंने सेटअप किया। समझिए, यहाँ पे हमारा मीटर है, लाइन चालू, न्यूट्रल फेज यहाँ पे आया, यहाँ पे इसके अंदर आया, ठीक है। मैं इसे ऑन जैसे करता हूँ, यहाँ से करंट फ्लो होकर के हमारी डीपी आइसोलेटर में आया, ठीक है। अब ये ऑफ है, यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे ब्रेक है। अभी मैं इसे ऑन करता हूँ तो अब ये करंट फ्लो होने लग गया यहाँ से इस एमसीबी के पीछे वाले एरिया में, और यहाँ से जो न्यूट्रल है वो आपको मालूम है कॉमन होता है, वो कुछ इस तरीके से आगे प्रोवाइड हो गया, यानी कि इसमें भी न्यूट्रल चालू हो गया, ठीक है। और यहाँ से होते हुए एक न्यूट्रल आ रहा है, इसमें भी चालू, और ये जो पीछे की तरफ न्यूट्रल जा रहा है ये भी चालू हो गया, इसमें तो न्यूट्रल पहुँच गया, ठीक है। लेकिन फेज पहुँचाना है तो आपको एमसीबी का प्रयोग लेना होगा। इस एमसीबी को ऑन करता हूँ, एक एमसीबी को, तो यहाँ से जो करंट होगा वो सीधा हमारे स्विच बोर्ड के अंदर जाएगा, यहाँ से सभी स्विच को ऑन करके यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी एमसीबी को ऑन करता हूँ तो यहाँ से जो आउटपुट है वो सीधा हमारे स्विच बोर्ड के अलावा कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरह से करंट तो फ्लो हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ सिस्टम न्यूट्रल का असल में वर्क कैसे हो रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, वो सिस्टम न्यूट्रल सभी होल्डर्स के अंदर जा रहे हैं, यहाँ से सभी होल्डर्स के अंदर न्यूट्रल प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी ये लाइनें हैं, इसको छोड़ के, इन दोनों छोड़ के, यहाँ पर ये जितने ही लाइनें हैं ये फेज़ कनेक्शन है, यानी कि आप जो भी स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से मान लीजिए ये स्विच आपने ऑन किया तो इसका जो फेज़ है वो इसके अंदर टच हो गया, भिड़ गया, तो यह वाइट करंट, वाइट कलर की जो वायर है इस एक वायर के अंदर, जो एक स्विच आपने ऑन किया, तो इसका जो करंट है वो सीधा यहाँ से होते हुए एक वायर के अंदर जाएगा, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए इसमें आएगा और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फेज़ तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मतलब फेज़ तो आ चुका है, आपने समझ लिया, फेज़ इस रेड वायर से लूपिंग से होते हुए पहुंच गया। अब न्यूट्रल कैसे पहुंचेगा, तो न्यूट्रल आपको मालूम है यहाँ से आ रहा है मेन न्यूट्रल, और उस होल्डर को न्यूट्रल देना है, इसको न्यूट्रल भी तो आपको मालूम है चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को भिड़ाने के बाद क्या हुआ, यहाँ से न्यूट्रल आउटपुट हुआ और यहाँ से होते हुए इस बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से न्यूट्रल फेज़ वर्क करता है, फेज़ कट होता है, न्यूट्रल कॉमन होता है, सभी लाइनों में न्यूट्रल कॉमन होता है। तो मेरे ख्याल से आपको यह वीडियो अच्छी लगी। फाइनली दोस्तों, हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग गई है गाइस। अगर आपने इस मेहनत को लाइक नहीं किया तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक मैं ये वीडियो कंप्लीट कर पाया हूँ,
तो ये चीज़ देख करके आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अभी तक अगर लाइक नहीं किया दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है इस तरीके से आपको अच्छे से नॉलेज मिला होगा कि किस तरह से वायरिंग की जाती है, किस तरह से MCB लगाया जाता है, किस तरह से सेटअप किया जाता है, फैन बॉक्स कैसे लगाया जाता है, मतलब सब कुछ आपको नॉलेज हो चुका होगा लगभग, ठीक है। और अगर आपकी इच्छा है अर्थिंग की और आपकी इच्छा है इन्वर्टर की वायरिंग की, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करते हो। अगर आपको पसंद है ये वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे, 1 मिलियन तक पहुंचना है गाइस, तो जल्द से जल्द हमें पहुंचा दीजिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।